दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली करंट अफेयर्स में जुलाई के इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन तरफ। जोहा चावल जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों असम से संबंधित है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने UAV निर्यात नीति को सरल और उदार बनाने के लिए इसमें बदलाव की घोषणा की? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट, 1,00,000 करोड़ रुपए का बाजार पंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत। नेक्स्ट, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता? तमिलनाडु। नेक्स्ट, उड़ीसा कैबिनेट ने हाल ही में आबाधा योजना यानी ABDHA स्कीम के लिए कुल लागत परिव्यय के उल्लेखनीय 1,000 करोड़ की वृद्धि की मंजूरी दी है। इस योजना का प्राथमिक फोकस पुरी पर है, जो अपने शानदार भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं तो पुरातत्व विदों ने किस देश में 4,000 साल पुराने अभ्यारण्य यानी सेंचुरी का पता लगाया है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट, हेलोफेसियस मेमोरियल जो खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? मिस्र में। नेक्स्ट, कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी MSP का नेतृत्व करता है? अमेरिका। नेक्स्ट, किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? 700 मिलियन। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TS सिंहदेव। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या थी? दोस्तों 100। आगे बात करते हैं तो इंडिया फर्स्ट ड्रोन पुलिस यूनिट यानी भारत में पहली बार ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत चेन्नई पुलिस द्वारा की गई। चेन्नई पुलिस ने हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की। नेक्स्ट, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों भारत ने। विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? दोस्तों 700 मिलियन। नेक्स्ट, 1,00,000 करोड़ रुपए का बाजार पंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 100। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए कनेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अभियान के शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर 5,00,000 से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे। थैंक्स फॉर शेयरिंग।